गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज है 17th of March और आज जो है सुबह सुबह मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है अपनी साइकिल साफ करेंगे और शाम को जो है एक साइकिल राइड लिया करेंगे डेली शाम को भी, और एक सुबह का टाइम मैंने डिसाइड किया है। एक मिनट मार लो हथौड़ा मेरे सिर पे ही मार दो एक दिन। पता नहीं क्या बन रहा है, तब से नोएडा फोर्ट तैयार हो रहा है ऊपर, वो लो एक और शुरू हो गया यार। तो गाइस अभी एक और गिफ्ट आ चुका है हमारा। मम्मी ये कब आया? अभी आया है, सनी जी ने भेजा है। निक्की ने भेजा? हां, निक्की और शगुन की तरफ से एक और। अच्छा चलो गाइस इसको नहा के फिर अनबॉक्स करते हैं, प्रॉपर व्लॉग की स्टार्टिंग होने वाली। सो हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज है 17th of March और आज हमने साइकिल धो धा के, जैसा कि हमने कहा था, मैंने कहा फिर शुरू हो गया यार ये, अरे छोड़ो इसको जाने दो। अभी हमने आपसे कहा था कि हम उसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो हमारा नया गिफ्ट आया है, चलो देखते हैं उसमें क्या है। क्या भेजा भैया भाभी ने मेरे को? कहाँ गया पैकेट? पैकेट 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 ये आ चुका है अपने पास पैकेट। चलते हैं अपने अनबॉक्सिंग वाले स्टूडियो में और दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या रखा है। ये ब्रांडी का सामान है, ये हमारी अनबॉक्सिंग टेबल है, अभी इसको रेडी करते हैं। अपने अनबॉक्सिंग स्टूडियो की लाइट ऑन कर लेते हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत ही महंगा सेटअप है हमारा, देखिए ये हमारी अनबॉक्सिंग चेयर, यहाँ पे इसी पे बैठकर ये अपनी टेबल, ये रहा अपना पैकेज। पैकेज को लाना है, पहले सीजर लेके आता हूँ, रुको चलो सीजर निकाल के आते हैं। ओके आ गई, चलो अब चलते हैं अपना। पैकेट आ चुका है, मिनी ट्राईपॉड है, सीजर यहाँ पे, बड़ा वाला ट्राईपॉड लेके आते हैं। अच्छा जल्दी कहाँ है ट्राईपॉड? और ट्राईपॉड ये रहा अपना ट्राईपॉड, चलो बहुत सारी चीजें, चलो बहुत सारी चीजें गिरती पड़ती रहती हैं। चलो अपना वो सामान है, उसके नीचे पैकेज है, उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। रुको पहले मैं ट्राईपॉड अपना सेटअप कर देता हूँ, फिर उसके बाद जो है अपने अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ओके तो सीजर रेडी, पैकेज रेडी, खोलना शुरू करते हैं। ऐसे कटेगा, मैं ओके वन। एक और जींस आ गई मेरे पास, एक इसको धीरे से एक और जींस।
लेंथ जिसकी लंबी है, बट कोई बात नहीं, वेस्ट सही आया है, बस ये इंपॉर्टेंट है। सो गाइस ये है स्पाइकर की जीन्स। वैसे मेरे पास जीन्स खत्म हो गई थी तो कोई बात, आई लाइक इट, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी चलते हैं अपना ट्राई मार, इसको ट्राई करके आते हैं, दो मिनट रुकना। यो कैसी लग रही गाइस? अच्छा आप लोगों को क्लोजअप में दिखाता हूँ, ब्लैक कलर की जीन्स है। हाँ मेरे पास अभी तक ब्लैक कलर की जीन्स नहीं थी, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अब से व्लॉगिंग करने जब जाएंगे तब यही जीन्स और टी शर्ट दूसरी होगी, ये शर्ट नहीं पहन के जाने वाले मैं, वही पहन के जाएंगे अब से। चलते हैं माता श्री का रिएक्शन लेने। लग रही जीन्स बहुत अच्छी, अच्छी की बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, मतलब बहुत 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 अच्छी या फिर बहुत अच्छी? नहीं नहीं तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। हम पर बहुत अच्छी लग रही है, वैसे हम तो जो पहन लो अच्छी लगता है। नहीं नहीं ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फिटिंग, बहुत बढ़िया। ओके ये रही जीन्स अपनी। चलो गाइस अभी अपने आपको दिखाता हूँ आज मैं ब्रांडी की हरकतें, जरा देखिए ये कैमरा कॉन्शियस बंदा है, इसको देखिएगा, कैमरा देखते ही इसको जो है अचानक से सो भी रहा होगा उठ जाएगा। हाय ब्रांडी को इस ट्राइपॉड से बहुत डर लगता है, जब भी ये ट्राइपॉड इसके आसपास आता है ये बहुत कॉन्शियस सा हो जाता है। बच्चे तो उनसे ही बात कर रहे हैं, सोना है तुम्हें सो जाओ, जाओ ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं करते, चलते। भाई उधर कहाँ देख रहे हो, इधर बताओ, तुम्हारे वहाँ से कम्युनिटी में शौचालय करना अलाउड है ओपन में? हमारे वहाँ तो शौचालय बनवाए जा रहे हैं। तुम्हारी कम्युनिटी में कुछ ऐसे बात के डिस्कशन होते नहीं है क्या? ओ भाई अच्छा नहीं होते हैं, तुम लोग को पूरी आज़ादी है? अरे वाह क्या बात है। तो गाइस आज का हमारा डे होता है एंड, और आज हमने बहुत सारी चीज़ें की, साइकिल धोई, फिर उसके बाद जो है अपना अनबॉक्सिंग की, गिफ्ट की, और उसके बाद मैंने खिचड़ी, नहीं खिचड़ी नहीं बनाई थी, मैंने बनाई थी चाय, जो चाय में चीनी कम हो गई, वैसे मुझे चीनी ज़्यादा पसंद है बट चाय में चीनी कम हो गई थी और पत्ती ज़्यादा डल गई, दूध भी ज़्यादा डल गया, मतलब पानी से ज़्यादा मैंने दूध डाल दिया था तो थोड़ी मिक्स बन गई थी, उसकी वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही। बनानी थी दो जन के लिए, तीन चार जन के लिए चाय बनी थी एक्चुअली, बट दो जन ने अब समझ ही गया होगा क्या हालत हुई है मेरी। और फिर जो है हमने अपना गए बाज़ार, गए समोसे वमोसे लेने, फिर जो है हमने किया कि 9 बजे हमारी कॉल आ गई थी क्लाइंट की कि उनको सुबह कुछ पोस्ट करना है, तो उनका पोस्ट क्रिएट किया और उनको 9:15 तक हमने उन्होंने भेज दिया। मगर कल जो है 18 मार्च जिस तारीख का सभी डीसी फैंस काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, आखिर 4 साल बाद वो आ ही गया, कल रिलीज़ हो रही है जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। और अगर आप डीसी फैन हो तो आप समझ ही सकते हो किस लेवल का एक्साइटमेंट है कि 4 साल तक जिन डीसी फैंस ने लगातार रिलीज द साइड रिलीज करते करते वार्नर ब्रदर्स को इतना परेशान कर दिया, वो कल फाइनली रिलीज़ होने वाली है मगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, अभी थिएटर्स में तो नहीं रिलीज़ होगी वो, बट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। तो अगर आप जैक स्नाइडर जस्टिस लीग देखना चाहते हैं इंडिया में तो भाई साहब नेट पे सर्च करो, मेरे को क्या लगा मैं इतना एक्साइटेड बना के आपको क्या बता दूँगा, मुझे खुद नहीं पता कैसे देखनी है बट मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए, क्योंकि यार 4 साल बहुत वक्त होता है
और हम डीसी फैंस ने जितना स्ट्रगल किया है ना इस स्नाइडर कट को एक्चुअल होने के लिए, वो बहुत ही मतलब क्या बोले टाइप का वॉर ही था। बट अभी पार्ट टू पार्ट थ्री के बारे में तो फ्यूचर में पता चलेगा, बट कल तो जब एक्साइट इतना वेट कराया है स्नाइडर साहब ने, बट कोई बात नहीं। मुझे लगता है अभी तक हमने ट्रेलर जो देखे थे वो एकदम फाड़ू ट्रेलर थे सच में। सो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो ये करना, ये वाला नहीं, फिर से बता रहा हूँ, यही करना, ये वाला मत करना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर भी कर ही दो यार, देखते हो शेयर भी कर दो, क्या पता किसी को अच्छा लग जाए। सो ओके टाटा, सी यू, बाय गाइस।